दिवाली खुशियां लेकर आई, लेकिन एक रात में ही दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में लोगों ने आतिशबाजी करके इतनी खुशियां मना ली कि आगे आने वाले महीने भर के लिए खुद के लिए खतरा पैदा कर लिया है। एक रात में ही महीनों के बराबर का प्रदूषण दिल्ली में देखने को मिला। इस बार बाकी सालों के मुकाबले दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा आतिशबाजी हुई और प्रदूषण का स्तर 42 गुना तक बढ़ गया है। आतिशबाजी के प्रदूषण से मुंबई की भी सांसें उखड़ी। वडाला और मरीन ड्राइव इलाके में प्रदूषण का स्तर तय मानक से बड़ा दर्ज किया गया। बंगलुरु में भी पटाखों के धुएं से परेशानी खड़ी हो गई है। दिल्ली में फिलहाल इतना धुआं है कि वायु प्रदूषण का स्तर इंसानों के रहने के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। केंद्र सरकार की संस्था सफर के मुताबिक दिवाली पर आतिशबाजी के बाद खतरनाक पर्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 का स्तर 507 तक पहुँच गया, जबकि PM 10 का स्तर 511 तक। प्रदूषण की वजह से पूरी दिल्ली NCR में कोहरे की चादर बिछ गई है। प्रदूषण की वजह से लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया है। सफर के मुताबिक हवा में प्रदूषण से हालात बेहद चिंताजनक है। इस हवा में सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा है। लोग जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले। दिल और फेफड़े की बीमारी वाले लोग खास सावधानी बरतें। बुजुर्ग और बच्चों को घर में ही रहने की सख्त हिदायत दी गई है। दिल्ली पहले से ही प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है और ऐसे में दिवाली पर की गई आतिशबाजी ने यहां की आबोहवा को और भी खतरनाक बना दिया है। देखते रहिए डीपी लाइव।